की दूसरी हाफ सेंचुरी, 74 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को एक चैलेंजिंग टूर्नामेंट तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप 2023 के सबसे युवा खिलाड़ी 18 साल के नूर अहमद ने बनाया अपने वर्ल्ड कप डेब्यू को यादगार। पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप की बैक कोच मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को भेजा पवेलियन। कुछ ही देर में एक्शन में होंगे पाकिस्तान के स्पीड गन शाहीन अफरीदी। पिछले मैच में 5 विकेट लेकर अपने लय में वापसी का ऐलान करने वाले शाहीन अफरीदी के सामने होंगे अफगानिस्तान के दमदार ओपनिंग बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबान। क्या होगा इस भिड़ंत में, जानिए एक्सपर्ट से। बिल्कुल नजर रहेगी शाहीन अफरीदी में, नजर रहेगी रहमानुल्लाह गुरबान में, क्योंकि ये पहले 10 ओवर की जो बैटल होगी दूसरी बार तय करे इस मुकाबले के नतीजे का। लेकिन इनिंग समरी, इफ्तिकार अहमद 40 रन 27 गेंदों में, अब्दुल्ला शफीक ने ऊपर अर्धशतक जड़ा, बाबर आजम के लिए अर्धशतक, लेकिन क्या किया शादाब खान ने भी दूर अहमद की बैटिंग देखो और राशिद खान का भी पेसर्स पे काफी जम के देखो 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 ये देखो की तरफ चलते हैं जहां पे हमें सब एक सेट स्मार्ट शॉट देखेंगे। शादाब को ऊपर भेजा ताकि इफ्तिकार को ज्यादा पेस मिले, दोनों ही जो डिसीजन थे एकदम सही साबित हुए। देखिए अगर पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी की बात करें तो इनके पास एक ही पावर हिटर है और वो जो पावर हिटर है वो है इफ्तिकार अहमद और वो बहुत ज्यादा जल्दी इनको भेजना चाहते हैं कि आपकी